खबर धौलपुर से, जहां 23 नवंबर चुनाव प्रचार के अंतिम दिन भाजपा ने जिले में अपनी पूरी ताकत लगा दी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विकास और हिंदुत्व पर मांगे वोट। जिले के राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र के मनिया कस्बा में योगी आदित्यनाथ ने संबोधन में कांग्रेस को देश की समस्या और भाजपा को समाधान बताया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कह रहा सर्वांगीण विकास। कांग्रेस देश के संसाधनों पर पहला हक मुस्लिमों का बताती है। भाजपा राम मंदिर बनवा रही है, कांग्रेस ने मंदिर नहीं बनने दिया। आज हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में सफर कर रहा है। साथ ही जिले के चारों भाजपा प्रत्याशियों को जिताने की अपील। लगभग 25 मिनट का रहा योगी का पूरा दौरा। सभी लोग सहमत हैं, चुनाव जिता करके भेजेंगे। भाइयों बहनों, मैं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों से कहूंगा कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद इन्हें प्राप्त होगा और 25 यानी 3 दिसंबर को जब काउंटिंग होंगे, वे सभी प्रत्याशी आपके आशीर्वाद से जीत करके जयपुर जाएंगे और 22 जनवरी के बाद कोई तिथि तय करके इन राम भक्तों को लेकर के लोग अयोध्या का दर्शन करने भी आएंगे। सहमत हैं सभी लोग? सहमत हैं तो मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम। यहाँ आने के लिए धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं।